अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम आज के वीडियो में जीम से आने वाले वर्ड्स देखेंगे, उनको अरबिक में कैसे पढ़ते हैं, लिखते हैं। और लिखना मैं नहीं सिखाऊंगी आपको, मेन यहाँ पे मैं वर्ड मीनिंग सिखा रही हूँ अलग अलग लेटर से आने वाले वर्ड्स की, और उसको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ताकि आपको प्रोनाउंस करने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप इंग्लिश वाला देख के शुरुआत के दौर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसकी इंग्लिश में मीनिंग भी दी हुई है। तो पहला वर्ड है जीम से जबल, दूसरा है जजर, जिस्र, जरस। जबल, जजर, जिस्र, जरस। अब मीनिंग देख लेते हैं और कैसे पढ़ना है वो देख लेते हैं। जीम जबर जा, बा जबर बा को ला से मिलाइए लाम से, तो ये हो जाएगा आपका बल। जबल, जबल का मीनिंग होता है माउंटेन। उसके बाद जीम जबर जा और जे को रे से मिलाइए, ज को र से मिलाइए, तो ये आपका हो जाएगा जजर। जजर का मतलब होता है कैरेट, कैरेट यानी गाजर। उसके बाद है जीम को, ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है ये जब कभी भी आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि पीछे के लेटर से अगले लेटर को आपको मिलाना है, ये जज़्म की निशानी है। जीम और सीन को मिलाइए आप, तो जिस और र को अलग से पढ़िए, तो जिस्र। जिस्र का मतलब होता है ब्रिज, ब्रिज का मीनिंग होता है पुल। जैसे अगर नदी वगैरह है तो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने के लिए, या बहुत बड़ा नाला वगैरह है तो उसको कनेक्ट करने के लिए जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं ब्रिज। जरस, जीम जबर जा, रा जबर और उसमें सीन को मिलाइए तो रस, जरस। जरस का मीनिंग होता है बिल, बिल यानी घंटी। फिर से एक बार देख लीजिए, जबल मीन्स माउंटेन, जजर कैरेट, जिस्र ब्रिज, जरस बिल। अगला लेटर है हमारा हा, हा यानी बड़ा हा, जो थोड़ा हलक पे प्रेशर लगा के हम लोग निकालते हैं। तो हा से आने वाले वर्ड्स और उनके मीनिंग, तो सबसे पहले उनको रीड करना देख लेते हैं। हाफिला, हदीका, हलीब, हकीबा। फिर से देख लीजिए, हाफिला, हदीका, ये दाल है बच्चों, हलीब, हकीबा। अब मीनिंग भी देख लेते हैं इसके। हाफिला हे जो है आपका हा, में ज़बर है हा और उसको अलिफ के साथ मिलाइए तो हा, फे के नीचे ज़ेर है फी और लाम पे ज़बर है और ये ता और ह इसमें मिला हुआ है ता, तो हा फिला इसको पढ़ते हैं इस तरीके से अरबिक में, तो हा फिला, हा फिला। इसको हा फिला तुन वगैरह भी पढ़ते हैं, लेकिन जब आप एक वर्ड पढ़ते हैं तो अरबिक का ये रूल है कि आप उसको ह पढ़ के ही छोड़ देते हैं। हा फिला, हा फिला, हा फिला का मीनिंग होता है बस। हदीका, हदीका, तो हा पे ज़बर है हा, दाल के नीचे ज़ेर है तो हा और दी और उसको ये से आप मिलाइए तो हदी, और काफ पे ज़बर और ये हा आप मिलाइए उसमें तो हदीका। और ये जो आपको दिख रहा है इसको पढ़ते हा है, लेकिन ये ता और हा दोनों मिक्स है इसमें। हदीका, हदीका का मतलब होता है गार्डन। उसके बाद है हलीब, हलीब, हा पे ज़बर है आपके हा, लाम पे ज़ेर है उसको ये से मिलाइए हलीब और ब, हलीब, हली और ब, हलीब। हलीब का मतलब होता है मिल्क, दूध। हकीबा, हा पे ज़बर है हा, काफ के नीचे ज़ेर है और उसको ये से मिलाइए की और बा को इस ते और हे वाले से मिलाइए, इसको यहाँ पे ह ही पढ़ा जाएगा तो बा हे बा हो जाएगा आपका हकीबा। हकीबा का मतलब होता है बैग। फिर से देख लेते हैं, हाफिला, हाफिला का मीनिंग होता है बस। हदीका का मीनिंग होता है गार्डन, हलीब का मीनिंग होता है मिल्क और हकीबा का मीनिंग होता है बैग। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में जीम और हा कंप्लीट किया है, अब इसी में हम खा भी देख लेंगे और
उसके बाद आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। या ये मेनली वीडियो जो है आपको वर्ड पावर के लिए है, और अगर आप चाहें तो आप इसको लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी इसके बाद हम हाँ हमारा कंप्लीट हो गया, अभी हम लोग खा देख लेते हैं। बाद हमारा है ख, तो ख से आने वाले ये चार वर्ड, उनके इंग्लिश में मीनिंग और साइड में इंग्लिश में उसका प्रोनंसिएशन भी लिखा हुआ है। तो पहला वर्ड है हमारा खरीता, ख ज़बर खा, र ज़ेर ये को मिला ये री तोय और तेहता। लेकिन अरबिक में मैंने आपको इसके पहले भी बताई हूँ कि आपको तो ते और हे है त और ह, उसको ह ही पढ़ा जाता है जब एक वर्ड आप कभी पढ़ते हैं तो। खरीता इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करेंगे, खरीता। उसके बाद खरीता यानी मैप, मैप मीन्स नक्शा। उसके बाद खुब्ज, खुब्ज का मीनिंग होता है ब्रेड, खुब्ज, खुब्ज मीन्स ब्रेड। ख पे पेश है, ख पे पेश और ब पे जज़म है, दोनों को मिलाइए खुब्ज और ज, खुब्ज। फिर इस तरीके से ख के नीचे ज़ेर है और नून पे जज़म है खिन, और स्वाद के नीचे ज़ेर है और उसको र से मिलाइए सिर, खिन सिर। खिन सिर का मीनिंग होता है लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर मीन्स आपके हाथ की ये जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है ये वाली, लिटिल फिंगर खिन सिर। उसके बाद है खरूफ, ख पे ज़बर है, र पे पेश है, उसको वाव से मिलाइए रू, थोड़ा और खींचेगा, र पे रू होता है और र को वाव में मिलाएंगे तो रू थोड़ा और खींचता है वो, खरू और फ, खरूफ। खरूफ का मीनिंग होता है लैम, मेमना यानी भेड़ का बच्चा। फिर से देख लेते हैं खरीता, खरीता का मीनिंग होता है मैप, खुब्ज मीन्स होता है ब्रेड, खिनसिर मीनिंग होता है लिटिल फिंगर और खरूफ मीन्स होता है लैम। तो यहाँ पे बच्चा हमारा जीम ह और ख कंप्लीट होता है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अरबिक के वर्ड पावर्स पता चले। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।